चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए तो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा, जैन धर्म के असली संस्थापक आपसे पूछा गया है। तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका डी नंबर कह रहे हैं, डी नंबर आपका होगा तो जवाब बिल्कुल सही है। ये आपके 24वें तीर्थकर थे, क्या जो जैन धर्म हुए हैं इनको तीर्थकर कहा जाता है, और ये 24वें तीर्थकर आपके थे जिनका नाम क्या है, वर्धमान महावीर स्वामी, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा अगर 23वां पूछ लेता तो क्या बताते, 23वां पूछ लेता तो आप बताते पार्श्वनाथ, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कह रहा आपसे यहाँ पर, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या कितनी है। चलिए यहाँ पर टू का जवाब देना है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्या जो आपकी है कितनी है। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप डी हो जाएगा 24। कितनी आपकी कुल संख्या जो आपकी है वो आपकी 24 है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी। जो आपकी पुरानी वाली हिस्ट्री है उसको जरूर पढ़िएगा, है ना, क्योंकि फंसने के चांस और गलती होने के चांस ओल्ड हिस्ट्री में आपको मिलेगी, प्राचीन हिस्ट्री में, है ना। चलिए बताइए गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी। तो देखिए गंग की बात करते हैं तो आधुनिक काल में मैसूर के दक्षिण में स्थित है ना, जो आपका गंग राज्य था वो आधुनिक समय में देखा जाए तो मैसूर के दक्षिण में स्थित है, और इस वंश का प्रथम शासक था कोंकण वर्मा था, कोंकण वर्मा था। इसका जो राइट आंसर आपका बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा सी कोलार, क्या कोलार। अब आपको थोड़ा सा ये पता चला होगा कि हमने मैसूर का नाम लिया है, इसका मतलब है कि इन ऑप्शन के अनुसार जाओगे तो क्या कोलार जो आपको कर्नाटक की खान भी, आप कर्नाटक में सोने की खान भी है, तो थोड़ा बहुत तुक्का आपका लगा सकते थे, क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। चलिए फोर का जवाब देना है, फोर नंबर का सही जवाब देना है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, वन नंबर राजा राम, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर राजा राम आपका जवाब बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बागडोर संभाली थी राजा राम ने, संभाली थी, ठीक है। संभाजी की मृत्यु के समय उनका जो पुत्र था साहू बहुत ही छोटा था, इसलिए इसने संभाल लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी। चलिए सबसे पहली रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई, लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स या लॉर्ड बेंटिंक। चलिए काफी लोगों के जवाब बहुत ही स्पीड के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय आपके 1853 में ये आपके हो गए थे, ऑप्शन आपका बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। और पहली बार अगर देखा जाए डाक टिकट का प्रारंभ हुए थे तो आपके 1854 में डाक टिकट पहली बार आपके आरंभ हुए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका जो टॉपिक में है आपके सिलेबस में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से भी आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। चलिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की गई थी आपके 1939 में, बताइएगा किसके द्वारा की गई थी। चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस, मतलब आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपके सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा भी दिया था ना, इन्हें नेताजी कहा जाता है, इन्होंने एक नारा भी दिया था, कहा था दिल्ली चलो, है ना, दिल्ली चलो किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। एक नारा और दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, ये 2-3 पॉइंट इनके याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने दी है। चलिए बताइएगा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, है ना, ये किसने कहा है, ये किसकी आपकी पंक्ति है। चलिए देशभक्ति आपकी कविता है और ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, कौन सा भाई, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर 7 नंबर में बिस्मिल्ला अजीमावादी होगा या चंद्रशेखर आजाद, अशफाकउल्ला खां या राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका आ रहा है आपका फर्स्ट नंबर इसका हो जाएगा, क्या यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहाँ पर डी कह रहे हैं राम प्रसाद बिस्मिल, भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल आपके हो जाएंगे। चलिए सही जवाब देना है, इसका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। देखो ये सबसे पहले आपकी उर्दू में लिखी गई थी, ये सबसे पहले आपकी उर्दू में लिखी गई थी और उर्दू में जो लिखे थे वो बिस्मिल अजीमाबादी थे, है ना। और यहाँ पर जो आपका प्रश्न के अनुसार है वो आपको लगाना क्या है, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर सरफरोशी की तमन्ना सबसे पहले जो किया था एक अंग्रेज कह सकते हैं उर्दू में थी, उर्दू में कब, आपके 1921 में, ठीक है 1921 में पटना में जो आपके थे, है ना। लेकिन यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिस्मिल, है ना, क्या हो जाएगा, बिस्मिल आपको जवाब देना है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर, देखो दिया गया है क्या कह रहा है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। चलिए बताइएगा हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से जो सम्मानित किया गया है किसे सम्मानित किया गया है। तो चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन हम आपको दिखा दे रहे हैं, ऑप्शन आपके दिए गए हैं सर सैयद अहमद खान,
फजल उल हक और सैयद मोहम्मद सरुद्दीन कादरी और मोहम्मद अली जिन्ना। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका डी, ये आपके मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। देखो यहाँ पर आपके सामने ये घटनाएं दी गई हैं और इन घटनाओं से क्वेश्चन आपके बनना ही बनना है। तो देखिए नौ वाले में क्या बनेगा, तो सबसे पहले आपका आया था कौन सा, यहाँ पर देखिए चौरी चौरा दिया है, असहयोग आंदोलन है और सविनय अवज्ञा आंदोलन है। मतलब देखा जाए तो यहाँ पर आपका कौन सा पॉइंट सही बन सकता है। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं फर्स्ट नंबर, है ना, कह रहे हैं फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा। बी नंबर कुछ लोग दे रहे हैं 1920, फिर 22, फिर आपका 23 हो जाएगा। तो मतलब आपका जवाब इनमें से बिल्कुल राइट आ रहा है, चार, नौ का कह रहे हैं चार होगा। ये बताइए चौरी चौरा की घटना कब घटित हुई थी, बताइए चौरी चौरा की घटना जो घटित हुई थी ये आपकी कह सकते हैं नहीं, तो डी वाला तो आपका हो ही नहीं सकता है किसी भी हालत में, है ना। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, असहयोग आंदोलन पहले हुआ है या सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ है। अगर इन दोनों में आपको पता है तो आपको याद रहेगा। देखो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये 1 अगस्त 1920 को आरंभ हुआ था और चौरी चौरा घटना ये आपके 22 को हुई थी, है ना। और इसके बाद यहाँ पर जो सविनय था ये आपका 30 में था। मतलब ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक प्रभावित थे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अत्यधिक आपके प्रभावित थे, यहाँ पर 10 का जवाब देना है। चलिए 10 का जवाब देना है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी लियो कार्लटस ये थे, ऑप्शन डी हो जाएगा, डी लियो टॉलस्टॉय दिया है, लियो टॉलस्टॉय दिया है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार के एक लेखक थे, उनकी जीवनी भी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है भूगोल से, क्वेश्चन आ गया है डोल ड्रम से संबंधित है। डोल ड्रम जो शब्द आपका है ये क्या बोला जाता है, तो देखिए डोल ड्रम भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्दी परिवर्तनशील कह सकते हैं हवाओं का क्षेत्र है और इस पेटी का जो विस्तार होता है वो 5 अंश उत्तर से लेके 5 अंश दक्षिण में होता है। मतलब इसका जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पहला ही हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के निकट प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र है। मतलब आप जाएंगे तो भूमध्य रेखा के 5 अंश ऊपर और 5 अंश नीचे वाले एरिया को ये डोल ड्रम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहे हैं इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पर दिया गया है इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। 12 नंबर में ये कहा जाता है आपके बेल्जियम को, याद रखिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, आपके बेल्जियम को कहा जाता है कॉकपिट कहा जाता है। इसकी गणना यूरोप के सर्वाधिक अमीर देशों में कही जाती है, कहा जाता है कि बेल्जियम यूरोप के सबसे अमीर देशों में इसकी आपकी तुलना होती है। इसका कारण भी यही है कि ये एक औद्योगिक क्षेत्र है, क्या ये एक क्या है औद्योगिक क्षेत्र इस कारण से। ठीक है, और कोयला यहाँ पर आपका बहुत होता है खनिज में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है। भारत के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट आपका कहाँ पर है, तो ये आपका दक्षिण भारत है और पश्चिमी तट आपका यहाँ पर ये है। अब इसमें जो बारिश होती है वो कौन सी होती है, तो यहाँ पर देखो आपका जवाब क्या बन जाएगा कि यहाँ पर दक्षिण, ये आपका पश्चिम है, ये दक्षिण है और ये मानसून क्या हो जाएगा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। मतलब आपका जवाब जो बनेगा वो हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल के समीप है। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम स्थल किसके पास है। चलिए 14 का जवाब देना है, 14 नंबर में यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा राइट आंसर। 14 नंबर में यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है, चलिए सबका बिल्कुल जवाब लगभग आ चुका है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट महाबलेश्वर। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, महाबलेश्वर के पास निकलती है इसका उद्गम आपका है। ठीक है ना, ये पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र में। ठीक है ना, चलिए और बहती कहाँ है, तो आपके महाराष्ट्र में बहती है, कर्नाटक में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश से होकर ये बहती है। ठीक है, और भीमा और तुंगभद्रा इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कच्चा पदार्थ है। यहां पर बताइएगा कि भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए जो सबसे प्रमुख कच्चा पदार्थ है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका कोयला। आपके देखते हैं कि आपके भारत में आपके थर्मल पावर जो आपकी है उससे सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कंजर्वेट होती है, अर्थात इसी से बनाई जाती है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था से, क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन आपको देखो कल भी मिला था देखने को।
निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए यहां पर आपसे दिया गया पहला, प्रथम दिया गया है 1951 से 1956, द्वितीय दिया 1956 से 1961, तृतीय दिया 1966 और चौथी दिया है 1966 से 1977। तो वही 1966 से ये वाले में गैपिंग हुई थी, है ना, क्या हुआ था यहां पर, गैपिंग हुआ था। तो यहां पर कह सकते हैं तीन वार्षिक योजना आपकी लागू किया गया था, इस कारण से ऑप्शन डी नंबर यहां पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि देश की जो आर्थिक प्रगति का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, मतलब जो देश है वो प्रगति कर रहा है, आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इसका निर्धारण आप किस आधार पर कर सकते हैं। तो आधार होती है उस देश की प्रति व्यक्ति आय, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा कि देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, यह निर्धारित करता है कि देश की आर्थिक प्रगति हो रही है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो समझिए देश क्या है, आर्थिक के क्षेत्र में बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए जनधन योजना पढ़ा होगा आपने, है ना, तो चलिए बताइएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देश क्या हो जाएगा, तो देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, क्या, देश में वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना, ये इसका आपका अर्थ है। और इसमें से सेवाएं जैसे आपके बैंक बचत हो गया, है ना, जमा खाते हो गया, प्रेषित हो गया, ऋण हो गया, बीमा, पेंशन इत्यादि की सुविधा प्रदान होती है ये आपके प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। क्लियर हो गया। और ये कब, तो आपके 28 अगस्त 2014 को, कब 2014, ये भी डेट याद रखिएगा कि 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2014 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सेन वैट किससे संबंधित है, सेन वैट किससे संबंधित है, सेन वैट ये जो आपका होता है केंद्रीय मूल्य वर्धित कर, अर्थात एक प्रकार का क्या है, ये टैक्स है जिसे बोल देते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जाना जाता है, इसे हम लोग क्या केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क के नाम से इसे जानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं, खुले बाजार किसे कहते हैं, देख लेते हैं खुले बाजार प्रचालन क्या होता है। तो देखिए यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं और खुला बाजार यहां पर होता है क्या कि सरकार द्वारा, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सरकार द्वारा शेष प्रतिभूतियों का बेचा जाना, ये होता है क्या खुले बाजार प्रचलन कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा सरकार द्वारा शेष प्रतिभूतियों का बेचा जाना। अब देखो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते नहीं है ना, यही कारण है कि आपको कठिन भी लगती है कि नहीं, इसलिए तो कठिन लगती है कि और कोई कारण है, जब आप पढ़ते नहीं है, प्रयास ही नहीं करते हैं भाई, इतनी कठिन लैंग्वेज होती है। अब जब पढ़ाया जाता है जैसे करंट अफेयर में उग जाते हैं वैसे इकोनॉमिक्स में उग जाते हैं सब। चलिए बताइएगा भारतीय संविधान और आपके यहां पर कह सकते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन आपका दिया गया है, 21 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहा है संविधान के अनुसार लोकसभा की स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइएगा कि अगर यहां पर लोकसभा की स्पीकर को हटाना है तो उसे कैसे हटाया जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट दिया है सदन के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा, मतलब आपका जो आप पहला ही मिल गया है सही है कि अगर लोकसभा की स्पीकर को हटाना है तो सदन के सभी सदस्यों का बहुमत होना जरूरी है, ऑप्शन यहां पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहां पर दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का जो संबंध है क्या है, विधि के समक्ष समता का वाक्यांश लिया गया है, मतलब यहां पर ये कितना कठिन क्वेश्चन दर दिया है कि विधि के समक्ष समानता जो आपके आर्टिकल 14 में है ये किस देश से लिया है, किस देश के संविधान से प्रेरित है और ये संबंधित है आपके ब्रिटेन के संविधान से, याद रखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन आपका बन जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का अर्थ क्या है। आपने समाजवाद पढ़ा होगा, समाजवाद मतलब होता क्या है ये बताइएगा, समाजवाद का मतलब क्या होता है, यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। तो चलिए समाजवाद का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए पहला दिया है लोगों को अपनी निजी सरकार चुनने, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए दिया गया है राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा कि राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय रखता है, मतलब यहाँ पर सभी को समानता है, सभी को समान अधिकार है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। देखो हमने बताया था कि मौलिक कर्तव्य आपके संविधान में प्रारंभ में नहीं थे, बाद में एक संविधान संशोधन हुआ, कौन सा, चलिए ऑप्शन आ रहा है थर्ड नंबर, 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहां पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 1976 में, है ना, क्लियर है ना। तब आपकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या आपकी 10 थी, लेकिन बाद में शिक्षा के अधिकार को जोड़कर इनकी मौलिक संख्या आपकी कितनी हो गई है, तो आपकी यहां पर 11 हो चुकी है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, चलिए कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, तो देखिए 25 नंबर में कह रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य सही है, स्वच्छता भी सही है, लोक उपयोगी सेवाएं भी हैं, लेकिन कानून और व्यवस्था ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं है, ऑप्शन यहां पर बन जाएगा थर्ड नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्लियर है ना। चलिए ये संघ का व्यवस्था है, संघ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है सामान्य विज्ञान, अब आपके पास एक क्वेश्चन आया है सामान्य विज्ञान में जो आपने पढ़ा होगा, डीपीटी वैक्सीन,
तो ये बताइए कि डीपीटी वैक्सीन जो होती है वो किन बीमारियों के लिए दिया जाता है। ये डीपीटी जो आपकी होती है, तीन बीमारियां इससे आपकी खत्म होती हैं। ये तीन बीमारियां आपकी कौन सी हैं? तो देखो यहाँ पर होता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो याद रखिए डीपीटी का जो टीका होता है तीन बीमारियों के लिए दिया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। ऑप्शन यहाँ पर क्या बन जाएगा? ए नंबर, जो कि काफी लोगों ने बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही दिया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ पुरातत्वी खोजों के काल निर्धारण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो चलिए ये बताइएगा कि जो भी आपके पुराने चीज़ें खोदी जाती हैं ना, खोजी जाती हैं पुरानी चीज़ें, तो उसका निर्धारण हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एक साल पुराना है, दो साल पुराना है, तीन साल पुराना है, ये कैसे किया जा सकता है? चलिए ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है 28 नंबर में, ए नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पर आपका कार्बन क्या होता है? कार्बन डेटिंग होता है, कार्बन डेटिंग होता है, यूरेनियम डेटिंग नहीं होता है। ये पुरातत्वी खोज दे रहा है। क्या दे रहा है? पुरातत्वी खोज दे रहा है। जैसे मान लो कोई चीज़ आप खोजी गई तो उसमें कार्बन डेटिंग होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी इसका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु बल की दिशा में त्वरण प्राप्त करती है जिसमें त्वरण के साथ अनुपातिक हो जाता है। यहाँ पर एक परिभाषा के माध्यम से ये दिया गया है, परिभाषा के माध्यम से दिया गया है कि जब कोई कुल बल किसी वस्तु पर लगता है तब वह वस्तु क्या बल की दिशा में क्या करती है? त्वरण प्राप्त करती है। जिसमें त्वरण के साथ अनुपातिक होता है क्या? वस्तु पर लगने वाला बल। जितना आप बल लगाएंगे उतना ही क्या करेगी? ये स्थापित होगी। तो यहाँ पर जवाब क्या बन जाएगा? ए नंबर, वस्तु पर लगने वाला बल इसके आपके अनुपातिक होती है। जितना आप फोर्स करेंगे उतना ही आपका जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नामक स्थिरांक पर आधारित होता है। देखो यहाँ पर दिया गया है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, ये आपका स्थिरांक जो आधारित होता है किसके आधार पर? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की गति। इसका ऑप्शन जो बनेगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक आपका द्रव्यमान और ऊर्जा संबंधी सूत्र भी दिया था, E बराबर mc2। उसके अकॉर्डिंग आप पर सी जो आपका है वो प्रकाश की क्या है? चाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है सामान्य हिंदी। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्न में संधि आपको पहचानना है, कौन सी आपकी संधि है? शिवालय में संधि कौन सी है? चलिए शिवालय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? शिवालय में जो संधि है वो आपकी कौन सी संधि है? यहाँ पर देखना है 36 नंबर में किसका जवाब सही हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने हिमालय पढ़ा है वैसे आपका शिवालय है, तो हो जाएगा शिव धनालय। क्या? शिव धनालय, अर्थात आलय मतलब होता है घर, और आपका दिया गया है यहाँ पर आलय, अर्थात शंकर भगवान का जो आपका आलय आपका हो जाएगा। तो शंकर भगवान का घर कुल मिला के देखा जाए तो शिव धनालय अर्थात शिवालय। तो इसका जवाब आ रहा है ऑप्शन वन, दीर्घ संधि हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, नीचे दिए शब्द का सर्वोत्तम विलोम शब्द आपको बताना है। अंत का विलोम क्या होता है? अंत का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए 37 नंबर में अंत का विलोम आ रहा है, यहाँ पर आदि हो जाएगा। देखो यहाँ पर कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर डी नंबर कह रहे हैं, अपूर्ण होगा, लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? अंत का होता है आदि, है ना, क्योंकि आदि मतलब होता है क्या? पहले होता है, पहले, ठीक है ना। तो इसको नोट करिएगा, गलती नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया है, सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? सब्ज बाग दिखाना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा 38 नंबर में? चलिए 38 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन राइट। चलिए लॉक कर देते हैं यहाँ पर, झूठे वादे करना। क्या? झूठे वादे करना। यहाँ पर देखो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, कौन सा? डी नंबर, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है झूठे वादे करना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस विकल्प में त्रुटि नहीं है? किस विकल्प में त्रुटि नहीं है आपसे दिया गया है? मैंने उस कागज में हस्ताक्षर कर दिए, मैंने उस कागज पर हस्ताक्षर कर दिया। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी नंबर, कि मैं उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया, है ना। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। चलिए कौन सा होगा? बी नंबर होगा ना, उसका पर कर दिया, यहाँ पर दिया गया है कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि जनमेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? ये बताइएगा जनमेजय का नाग यज्ञ की जो रचना है वो किसकी रचना है? चारों ऑप्शन देखिएगा, हिंदी साहित्य का हमने वीडियो बनाया है तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जनमेजय का नाग यज्ञ, ये जो आपकी रचना है किसकी रचना है? ये है आपके जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन बनेगा आपका क्या? बी नंबर आपका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है। और जयशंकर प्रसाद आपके कौन से युग के हैं? तो छायावादी युग के आपके हैं। इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, कविता वगैरह बहुत रचित किया है।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। तो चलिए बताइएगा कि भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। चलिए जवाब दीजिए 51 नंबर में बताना है, भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में कितने नए विरासत स्थल शामिल किए गए हैं। वेरी वेरी आईएमपी आपका क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 6। देखिए इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया गया है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, वाराणसी, कांचीपुरम और आपके सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में। कुल मिला के यहाँ पर आपके किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे महाराष्ट्र में मराठा सैन्य वस्तुका है, कर्नाटक में आपका हायर बंगला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी की आपके भेड़ा घाट आपका हो गया, वाराणसी में गंगा तट आपका हो गया, कांचीपुरम में मंदिर हो गया और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व हो गया। तो इस प्रकार से हैं। अब आपके देखा जाए तो टोटल आपके अस्थायी सूची में कितने आपके हो गए हैं, तो आपके 48 आपके साइटें हो चुकी हैं। कितने? 48 साइटें आपके हो गई हैं इनको मिलाने से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस देश के भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दिया है। मतलब यहाँ पर 52 नंबर में जो आपका जवाब हो जाएगा वो मालदीव होगा। क्या यहाँ पर आपका मालदीव है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव में, ठीक है, भारत के नए वाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दे दिया है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। ये इसलिए दिया गया ताकि आपके राजनयिक उपस्थिति को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश है, ये है आपका चीन है। कौन है? तो आपका ऑप्शन बन जाएगा डी, चीन है। याद रखिए चीन ने इसलिए किया है ताकि जैसे भी कोई आपका पदार्थ होता है, जैसे आपका कैनबिनोइड पदार्थ आपका है, ये समाज के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, ऐसे पदार्थों का दुरुपयोग करता है जैसे चोटें वगैरह हो जाती हैं, है ना, और ख़राब ढंग से गाड़ी चलाने जैसी घटनाओं को जन्म दे देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन की वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अमेरिका के जो आपके राष्ट्रपति हैं कौन है? जो बिडेन हैं। क्या? जो बिडेन आपके हैं, और इनकी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किस भारतीय अमेरिकी को नियुक्त किया गया है। तो 54 का ऑप्शन बन जाएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर आ रहा है नीरा टंडन। क्या? नीरा टंडन। इसका जवाब हो जाएगा नीरा टंडन, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कह रहा भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जब शुभारंभ हुआ है या आपके कहाँ हुआ है। तो ये हुआ आपके कहाँ पर? तो ऑप्शन बी हो जाएगा पुणे में। कहाँ हुआ है? पुणे में हो जाएगा, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है। तो पुरस्कार संबंधी यहाँ पर वीडियो आपका अपलोड कर दिया है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। दिया विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर आपका थर्ड नंबर ये दिया गया है डॉक्टर शकुंतला हरसिंह थिल्सटेज को। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। ये जो आपके हैं आपके जलीय कृषि एवं खाद्य प्रणालियों के लिए समग्र पोषण और संवेदनशील को दृष्टि को देखते हुए उनको विकसित करने हेतु ये 2021 का दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 के रूप में किसकी ताजपोशी की गई है। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका दिया है, पुरस्कार से संबंधित हमने बताया, क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, वीडियो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना, पुरस्कार का वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 57 नंबर में यहाँ पर दिया गया है जो कि 69वें नंबर के हैं मिस यूनिवर्स 2020 में, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर आपकी एंड्रिया मेजा को। किसे? एंड्रिया मेजा को, जो कि मिक्स मैक्सिको आपकी बन गई हैं। ऑप्शन बन जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मिस इंडिया की आपके एडलाइन आपके क्वाट्रो डोलोना कैथलिनो को दिया गया है, ठीक है, टॉप फोर में जगह बना लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है व्हिटली पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आपका व्हिटली पुरस्कार, व्हिटली पुरस्कार आपसे दिया गया है, और ये किसे दिया गया है। चलिए यहाँ पर 58 नंबर में
तो ये दिया गया है किसे, तो आपके ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर आपके नुक्लुफोमो को, किसे, नुक्लुफोमा को दिया गया है, फोमो को दिया गया है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन दिया गया है कि डिप्कोवैन क्या है, डिप्कोवैन है क्या, यहाँ पर बताना है डिप्कोवैन क्या है। तो ये एक प्रकार का देखा जाए क्या है, तो एंटीबॉडी पहचान आधारित किट है, इससे क्या होता है बॉडी में एंटीबॉडी की पहचान की जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 किसने जीता, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का है, आगामी खेल से आ सकता है या किसी से भी आ सकता है। तो मैड्रिड ओपन महिला एकल फाइनल 2021 जो जीता है किसने, तो ये है आपके एरिना सबलेंका, क्या, एरिना सबलेंका है, ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और कह सकते हैं कि अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है सामान्य जागरूकता से, क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, अब आपके यहाँ पर जीके के क्वेश्चन आपके आ चुके हैं कि भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाने वाला टेमी चाय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर 61 नंबर आपसे जवाब दिया गया, 61 नंबर में ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, तो देखिए इसका राइट आंसर 61 का क्या बन जाएगा, थोड़ा सोचिए और समझिएगा। 61 नंबर में ये जो आपका दिया है टेमी चाय उद्यान, ये आपके है ऑप्शन बी सिक्किम में है, कहाँ पर आपके है, तो ये सिक्किम सरकार द्वारा, क्या, सिक्किम सरकार द्वारा 1969 में स्थापित किया गया था टेमी, ठीक है, दी गार्डन, ये दक्षिण सिक्किम में है, कहाँ पर है, ये दक्षिण सिक्किम में आपका स्थित है और सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है, याद रखिए ये सिक्किम का एकमात्र चाय बागान है और इसे भारत और दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसे दुनिया में और भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, ऑप्शन आपका बन जाएगा बी नंबर आपका बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी इनमें से कौन सी है। सभी को पता होगा कि ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी इनमें से कौन है, 62 नंबर में, तो 62 में आपको क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल रहा है, करडम मल्लेश्वरी है, करडम मल्लेश्वरी जो कि आपकी सन 2000 में आपके सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कह सकते हैं कि पदक जीता था, ऑप्शन आपका ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और कौन सा पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा कौन सी है, सचिन तेंदुलकर की जो आत्मकथा है वो आपकी कौन सी है, तो देखो यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा, प्लेइंग इट माई वे, क्या है, इनकी आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, इसका राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, ये सचिन तेंदुलकर की क्या है आत्मकथा आपके हो जाएगा, 2014 में प्रकाशित हुई थी, कब, 2014 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, तो चलिए यहाँ पर दीजिएगा 64 का जवाब क्या बनेगा कि लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष आपकी कौन सी है, तो ये मीरा कुमार तो पहली थी लेकिन यहाँ पर पूछा गया है दूसरी, और दूसरी आपकी कौन है, सुमित्रा महाजन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपको बन जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर कि 15 सितंबर को किसके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाया जाता है, तो बताइएगा राष्ट्रीय अभियंता दिवस जो मनाते हैं वो किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं 15 सितंबर को। चलिए 15 सितंबर में यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका बी, आपके ये आपके विश्वेश्वरैया, जिन्हें बोलते हैं मोछागुंडम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा इंजीनियरिंग डे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है, नेपा नगर का आपने नाम सुना होगा, नेपा नगर जो आपका है किस लिए है, तो आपके किसके लिए है, तो ये आपकी न्यूज प्रिंट अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, अखबार कागज के लिए है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है, यहाँ पर देखो दिया है तिमिथ उत्सव तमिलनाडु में किसके सम्मान में मनाया जाता है, यहाँ पर 67 नंबर आपसे दिया है 67 नंबर में, तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा द्रौपदी के सम्मान में। ये भी क्वेश्चन आपको नोट कर लेना है कि आपको जो दिया है तिमिथ, या कभी कभी इसे बोल जाता है थिमिथ बोल दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्डों को अलग कर दिया है, थिमिथ भी हो जाता है, या इसे एक नाम और दिया जाता है फायर वर्किंग, क्या, फायर वर्किंग समारोह बोला जाता है, और तमिलनाडु में होने वाले एक हिंदू त्योहारों में से आपका इसको गिना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है संस्कृत में दिया गया कथन अतिथि देवो भव का क्या अर्थ होता है। चलिए यहाँ पर आपने हमेशा पढ़ा होगा अतिथि देवो भव, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चलिए तो देखो यहाँ पर आपका अतिथि देवो भव मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा अतिथि भगवान होता है, क्या, अतिथि भगवान होता है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी नंबर, आपका दिन शुभ हो, ऐसा होता है क्या। चलिए अगला क्वेश्चन दीजिएगा, कह रहा है किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा सबसे छोटी है,
किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? और सबसे छोटी सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका पुदुचेरी हो जाएगा, है ना। पुदुचेरी ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा थर्ड नंबर, और ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश आपका है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है, ये बताइए पश्चिम में हंटर के चंद्रमा के रूप में किसे जाना जाता है। एक प्रकार का नया क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहा है, और अक्टूबर महीना में पूर्ण चंद्रमा को इस अवधि के दौरान कहा जाता है, ये आपकी है कार्तिक पूर्णिमा को। क्या ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्तिक पूर्णिमा जो कि अक्टूबर महीने में आपकी होती है, हंटर चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। लोग देखा जाए तो आमतौर पर शिकार करना, वध करना, मीट को संरक्षित करना शुरू कर देते हैं, और भारत में इस अवधि को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। ये पूछा गया था पश्चिम में, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट में, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले क्लास के हम लिंक दे रहे हैं।